नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पर्यटकों को मिलेगी रेंट पर बाइक लेकर घूमने की सुविधा। ड्रोन नहीं, अब दूरबीन से होगी इन पर निगरानी। बिहार में जल्द ही गंगा नदी के ऊपर बनेगी शानदार 4 लेन ब्रिज। बिहार यूपी को जोड़ने के लिए बाईपास का होगा निर्माण। भारत को लगा बड़ा झटका, एशिया कप से बाहर हुआ स्टार ऑलराउंडर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पर्यटकों को मिलेगी रेंट पर बाइक लेकर घूमने की सुविधा। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को पर्यटन स्थल पर विशेष सुविधा मिल सके, इसके लिए आए दिन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को घूमने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए दिसंबर से पर्यटन विभाग इन पर्यटकों को रेंट पर बाइक देगी, ताकि पर्यटकों को आसपास घूमने में परेशानी नहीं हो। आपको बताते चले कि बिहार में विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है। गया, राजगीर, नालंदा की बात करें तो यहां सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे के गोस्वामी की। के गोस्वामी एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता हैं, जो भारतीय टीवी धारावाहिक हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, भोजपुरी फिल्मों और धारावाहिकों में दिखाई देते हैं। 27 वर्षों के ऑन स्क्रीन करियर में गोस्वामी को स्टार परिवार अवार्ड, जी रिश्ते और कई अन्य सहित कई पुरस्कार मिले हैं। वह फिल्मों और श्रृंखलाओं में 3 से अधिक पीढ़ियों के लिए सबसे दोस्ताना प्रकृति रखने वाले अभिनेता हैं। मध्यम वर्ग के व्यवसाय के बेटे से एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेता तक गोस्वामी ने जूनियर जी में सहायक खलनायक के रूप में अपना करियर का शुरुआत किया था। इसके बाद विकराल गबराल में गबरू के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। के गोस्वामी का जन्म आज ही के दिन 3 सितंबर 1973 को हुआ था। 11 बजे लेट नहीं और 4 बजे के बाद भेंट नहीं वाले फॉर्मूले पर लगेगा लगाम। बिहार सरकार लेट से ऑफिस पहुंचने वाले कर्मचारियों पर लगाम लगाने जा रही है। राज्य सरकार ने न सिर्फ कर्मियों के ऑफिस में 11 बजे लेट नहीं और 4 बजे के बाद भेंट नहीं वाले फॉर्मूले पर लगाम लगाते हुए सभी के आने जाने का न सिर्फ टाइम निर्धारित किया है, बल्कि सबके लंच का समय भी निर्धारित किया है। सरकारी कर्मी दोपहर में किस वक्त अपना लंच करेंगे ये भी निर्धारित किया गया है। इससे लंच के नाम पर घंटों गायब रहने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। लंच के लिए इसके साथ आपको बताते चले कि वैसे सरकारी कार्यालय जहां सप्ताह के 5 दिन काम होते हैं, वहां के कर्मियों को सुबह 9:30 बजे हर हाल में बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी है। वहीं जाने का समय इनके लिए शाम 6 बजे है और लंच का समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। वहीं जिन कर्मियों का काम सप्ताह के 6 दिन होते हैं, उन्हें सुबह के 10 बजे बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी है। वहीं जाने का समय 5 बजे निर्धारित है। ड्रोन नहीं, अब दूरबीन से होगी इन पर निगरानी। बिहार में साल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। इसको सफल बनाने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन फिर भी ना तो शराब पीने वाले मान रहे हैं और ना ही इसका व्यापार करने वाले। हालांकि बिहार सरकार नए नए तरकीब से शराबबंदी को सफल बनाने और शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के प्रयासों में जुटी है। इसी कड़ी में ड्रोन से निगरानी के बाद अब उत्पाद विभाग ने शराब के तस्करों पर नजर रखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मतलब लाखों के ड्रोन की कई मेगापिक्सल वाले कैमरे शराब तस्करों को नहीं ढूंढ सके, अब दूरबीन ढूंढेगी। दरअसल कटिहार का गंगा और महानंदा का दियाड़ा क्षेत्र झारखंड और बंगाल से जुड़ा हुआ है। यहां से शराब की तस्करी पर रोक लगाने और निगरानी को सख्त बनाने के लिए उत्पाद विभाग ने अन्य इक्विपमेंट के साथ साथ दूरबीन भी दिया है। सेल ने विभिन्न पदों के 333 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों के लिए कुल मिलाकर 333 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में मैट्रिकुलेशन या BE या BTEC या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या PG डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.sail.co.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।
नगर निगम चुनाव पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। पटना हाई कोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसमें याचिकाकर्ता सुनील कुमार द्वारा बताया गया है कि बगैर संवैधानिक प्रावधानों व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन किए स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया कैसे शुरू हो सकती है। इसमें बैकवर्ड व अन्य वर्गों के आरक्षण का मसला भी शामिल है। इस पर बीते दिन सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य में पटना नगर निगम समेत स्थानीय निकायों के चुनाव पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। बिहार में जल्द ही गंगा नदी के ऊपर बनेगी शानदार फोर लेन ब्रिज। बिहार सरकार द्वारा गंगा के ऊपर एक शानदार फोर लेन ब्रिज के निर्माण को लेकर हामी भर दी गई है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार इस फोर लेन ब्रिज का निर्माण गंगा नदी के ऊपर भागलपुर जिले में किया जाएगा। यह शानदार ब्रिज भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर होगा और इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से हामी भर दी गई है। वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से इस ब्रिज के निर्माण को लेकर एनओसी दिए जाने के बाद सारी बाधाओं को दूर कर लिया गया है और अब जल्द ही इस ब्रिज के निर्माण कार्य शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि गंगा नदी के ऊपर इस फोरलेन ब्रिज का निर्माण कार्य इसी वर्ष के अक्टूबर नवंबर से शुरू किया जा सकता है। वहीं खबरों से मिली जानकारी के अनुसार इस ब्रिज का निर्माण कार्य को खत्म करने का टारगेट 2026 तक रखा गया है। पटना का गांधी घाट इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है पटना का गांधी घाट। यह आगंतुकों के लिए एक आश्चर्य के रूप में देखा जा सकता है कि हालांकि पटना में रिवर फ्रंट 11 मील तक फैला है, मानसून के दौरान गंगा विशेष रूप से राजसी होती है। जब मूसलाधार प्रवाह और ठंडी हवाएं किनारों को शांत करती है, सभी बैंकों में से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के पीछे स्थित गांधी घाट सबसे प्रमुख और पर्यटकों के अनुकूल है। घाट पर छायादार बेंच, फूड स्टॉल और रिवर साइड रेस्टोरेंट, भागीरथी विहार के साथ चौक है। इसमें नौका विहार की सुविधाएं भी हैं, जिनमें सरकारी MV गंगा विहार क्रूज जहाज भी शामिल है। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार हर शनिवार और रविवार को गांधी घाट पर एक आरती का आयोजन भी करती है। एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के बीते शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ राजभवन का घेराव करने के लिए निकले। इस दौरान पुलिस ने ही इन्हें घेर लिया। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी हुई। ये झड़प पटना के डाक बंगला चौराहे के पास हुई। अभ्यर्थियों ने बताया कि पुलिस के द्वारा किए गए बल प्रयोग के कारण कई छात्र और छात्राएं घायल भी हुई हैं। बता दें कि इससे पहले भी 22 अगस्त को अभ्यर्थी राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। इस क्रम में पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे पर रोक लिया था। इसके बाद पुलिस ने उन पर बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज भी किया था। ओठनी डैम में क्रेज कल्चर से शुरू होगी मछली पालन। बिहार सहित देश में मछली की मांग और खपत को देखते हुए बिहार सरकार मछली पालन पर लगातार जोर दे रही है। इसी कड़ी में आए दिन मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी निकाली जा रही हैं, जिसके तहत सरकार मत्स्य पालन करने वाले के लिए अनुदान का प्रावधान भी रखा है। इसी कड़ी में मत्स्य विभाग ने बांका जिले में 41 लाख रुपए की लागत से 24 केज तैयार किया है। मत्स्य विभाग की ओर से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर इसका आवंटन किया जाएगा। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बांका हाल में काफी आगे बढ़ा है। यही वजह है कि ओठनी डैम में इसके तहत केज कल्चर से मछली पालन शुरू किया जा रहा है। इस विधि से कम जगह में ज्यादा मछली का उत्पादन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक मत्स्य पालक बांका मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। राज्य में एक बार फिर से मॉनसून ने करवटें ली हैं। इस बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों में कुछ दिनों से एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने सीमांचल के क्षेत्र में भारी बारिश की सूचना जारी की है, जिसमें किशनगंज और पूर्णिया जिला शामिल है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि यहां भारी बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार इस महीने सितंबर में भारी बारिश हो सकती है। इस दरमियान दैनिक तापमान में भी लगातार परिवर्तन देखा जा सकता है। वहीं बारिश के दौरान वज्रपात से भी रहने के लिए कहा गया है। इस दिन से चलाई जाएगी पितृपक्ष मेला स्पेशल ट्रेन। आगामी 9 सितंबर से शुरू होने जा रहे विश्व प्रसिद्ध गया के पितृपक्ष मेला के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद किए जा रहे। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में प्रशासन जुटी हुई है। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण दर में भी कमी आई है। ऐसे में संभावित भारी भीड़ का आकलन करते हुए रेलवे भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने आगामी 9 सितंबर से पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जिन्हें
स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होना है। उनमें गाड़ी संख्या 01659 रानी कमलापति गया स्पेशल, रानी कमलापति से 9, 14, 19 और 24 सितंबर को 1:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 8:30 बजे गया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गया व रानी कमलापति स्पेशल के बीच ट्रेन अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी, ओनसोन, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन समेत अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। बेरोजगारी का मार झेल रहे बिहार के लिए अच्छी खबर। बेरोजगारी का मार झेल रहे बिहार के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले एक महीने के दौरान बेरोजगारी दर में 6% की कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जुलाई के महीने में बेरोजगारी दर 18.8% रही, जो एक महीने में 6% कम गई है और इसी के साथ राज्य में अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 12.8% दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में आई कमी का पहला कारण मनरेगा है। पिछले महीने बड़े स्तर पर मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला है, जिससे बेरोजगारी दर में कमी आई है। आपको बताते चले कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हर महीने देश के राज्यों में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी करता है। बिहार सिपाही भर्ती का परिणाम हुआ घोषित। बीते दिन बिहार सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है। इस परीक्षा में सिपाही के 8,415 रिक्त पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 7,973 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिकी सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के 8,415 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सफल अभ्यर्थियों में सामान्य संवर्ग से 3,072 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चयन सूची में 36.7% महिलाएं और 63.3% पुरुष अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि 12वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार के मध्य निषेध सिपाही के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त 2022 से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in के जरिए इन पदों के लिए 13 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार यूपी को जोड़ने के लिए बाईपास का होगा निर्माण। बिहार और यूपी की दूरियां कम करने के लिए बाईपास सड़क का निर्माण होगा। दरअसल राष्ट्रीय उच्च पथ 727 के पनियाहवा छितौनी रेल सह सड़क पुल के रास्ते बिहार को यूपी से जोड़ने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसके लिए बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि बाईपास सड़क निर्माण के लिए 3 अलाइनमेंट तैयार किया गया है। इन सभी अलाइनमेंट पर विचार विमर्श किया गया। वहीं अधिकारी ने कहा कि पश्चिम चंपारण जिले के लिए यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस बाईपास के निर्माण हो जाने से आवागमन में लोगों को बहुत सहूलियत होगी, साथ ही विकास का मार्ग और प्रशस्त होगा। आपको बताते चले कि वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़क के बदले अब यहां नया बाईपास का सड़क का निर्माण किया जाएगा। इंजीनियर के लॉकर में मिले 78 लाख के सोने हीरे के गहने। निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। मालूम हो कि ग्रामीण कार्य विभाग के धनकुबेर इंजीनियर सुधांशु प्रसाद राय के पटना और किशनगंज सहित 3 ठिकानों पर निगरानी ब्यूरो ने छापेमारी की थी। इस दौरान छापेमारी में 5,32,00,000 नगद मिले थे। इसके अलावा बैंक लॉकर, जमीन के कागजात, सोने चांदी भी मिले थे। वहीं अब बीते दिन निगरानी ब्यूरो ने कार्यपालक अभियंता के पटना स्थित एक लॉकर की तलाशी ली, जहां से 1.5 किलो सोने एवं डायमंड के आभूषण बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि निगरानी ब्यूरो ने किशनगंज ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सुधांशु प्रसाद राय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। भाजपा नेता के यहाँ कब होगी छापेमारी। सीबीआई ने 26 अगस्त के दिन राजद के लगभग 25 ठिकानों पर छापेमारी कर उस दिन को छापेमारी दिवस के रूप में तब्दील कर दिया था। इस घटनाक्रम के उपरांत बिहार की सियासत में ही खलबली मच गई। पक्ष और विपक्ष का जुबानी हमला लगातार चल रहा था। इसी कड़ी में अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब भाजपा को टारगेट किया है। तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा कि देश में भाजपा के 300 से ज्यादा सांसद हैं, बड़ी संख्या में विधायक हैं, लेकिन किसी भी भाजपा के नेता के यहाँ छापेमारी क्यों नहीं होती? क्या वे दूध के धूले हैं? भाजपा नेताओं द्वारा बिहार की नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बचाने की बात करते हैं वही अपने भ्रष्ट लोगों को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार का मोदी पर जबरदस्त पलटवार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। दरअसल केरल दौरे पर गए पीएम मोदी ने एक दिन पहले कहा कि विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एकजुट होने का आरोप लगाया था।
इसी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि दूसरे राज्यों में भाजपा में किस छवि के लोगों को दूसरे दलों से तोड़कर जोड़ा जा रहा है, या खुद पीएम मोदी को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी क्या बोलते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार ने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे लोग यहाँ वहाँ से किन लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं या उन्हें सोचना चाहिए। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में बिहार के कन्हैया भी होंगे शामिल। देशभर में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू करने जा रही है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार से कन्हैया कुमार भी रहेंगे और इनके साथ 5 अन्य नेता भी शामिल रहेंगे। दरअसल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाले 117 पद यात्रियों की लिस्ट जारी की है, जिनमें बिहार से कन्हैया कुमार समेत 5 नेता पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना, कृष्णा हरी, उमेर खान और अशोक गुप्ता को शामिल किया गया है। सभी 5 महीने तक राहुल के साथ रहेंगे। आपको बताते चले कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से कन्याकुमारी से होगी। 150 दिनों तक चलने वाली पैदल यात्रा में देश के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य 12 राज्यों में होते हुए कश्मीर पहुंचेगी। हालांकि इसमें बिहार शामिल नहीं है। जदयू कार्यालय के बाहर लगे जमकर ये नारे। बीते दिन जदयू की 3 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ हुआ। बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे। खास बात ये रही कि जैसे ही मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहां नेता सहित कार्यकर्ताओं ने देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। हालांकि नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को ऐसी नारेबाजी करने से मना कर दिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बैठक में दूर दूर से पार्टी के नेता शामिल होने आएंगे, इसलिए मैं पहले यहां देखने आ गया कि व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इस दौरान जब उनसे पीएम पद की दावेदारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बार बार मना करते हैं, मगर पत्रकार उनसे यही सवाल पूछते हैं। विजय सिन्हा ने कहा, जहां बड़े भाई गए हैं वहां छोटे भाई भी जाएंगे। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां बड़े भाई हैं वहां छोटे भाई भी जाएंगे। बड़े भाई का मतलब यहां लालू प्रसाद यादव से है। दरअसल विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बोला कि मैं एनडीए सरकार में जिस विभाग का मंत्री था उसमें भ्रष्टाचार का मामला उठाया है। कौशल विकास योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, यह मामला विधानसभा के सदन में उठाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार इनमें जांच करवाने से बच रहे है। ऐसे करें घर बैठे वोटर आईडी को आधार से लिंक। मतदाताओं को उनके वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि यह मतदाताओं की इच्छा पर निर्भर है। ऐसे में मतदाता पहचान पत्र को आधार लिंक से जोड़ने की काम चल रही है। ऐसे में लोगों को इस काम के लिए साइबर कैफे ना दौड़ना पड़े, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप में देखें कि क्या जानकारी मांगी जा रही है, उसी के अनुसार आगे बढ़ें। फॉर्म 6 ख सेलेक्ट करें, मोबाइल संख्या का पंजीकरण करें, इसके बाद मतदाता पहचान संख्या भरें, अपना राज्य सेलेक्ट करें, आगे बढ़ें, वोटर कार्ड का विवरणी देखें, अपना आधार संख्या अंकित करें, अपना स्थान अंकित करें, अपना विवरणी देखें और सबमिट करें। भारत को लगा बड़ा झटका, एशिया कप से बाहर हुआ स्टार ऑलराउंडर रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया एशिया कप 2022 में सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई है। भारत ने अपने दोनों ग्रुप मुकाबले जीतकर सुपर 4 में क्वालिफाई किया है। भारतीय टीम ने पहले चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी, फिर हांगकांग को 40 रनों से हराया। अब सुपर 4 में टीम इंडिया रविवार को अपना पहला मैच खेलेगी और यह मैच किसी और के साथ नहीं बल्कि चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ हो सकता है। लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने की चोट की वजह से एशिया कप 2022 से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1905 में भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी कमलापति त्रिपाठी का जन्म हुआ था। 1974 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी राहुल साध्वी का जन्म हुआ था। 1976 में भारतीय अभिनेता विवेक ओबेरॉय का जन्म हुआ था और 1992 में भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड मालिकों को दिए जा रहे हैं लोन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड मालिकों को दिए जा रहे 4,78,000 रुपए के लोन के बारे में। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट करते हुए बताया कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड मालिकों को 4,78,000 रुपए का लोन दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह दावा फेक है। इस प्रकार के संदेश फॉरवर्ड ना करें और कभी भी अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल
फाइनेंशियल डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है योगेंद्र कुमार, मोहम्मद अतुल्लाह, रंजीत मिश्रा, आशीष कुमार, अनवर करीम खान, रोहित ठाकुर, जितेंद्र कुमार, रजनीकांत पांडे, आशा कुमारी, निशा कुमारी, श्याम नंदन चौधरी, अंशु कुमार और मुटु रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि एशिया कप में रविंद्र जडेजा के बाहर होने से टीम इंडिया को कितना नुकसान होगा। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।